जहाँ तक हम गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये जो यहाँ पे वीसी है भट्टा सारे सत्यनारायण राव, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो ये वीसी कर रहा है, ये जिस तरीके से सुपरस्टिशियस अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है, उस तरीके की विचारधारा में लाकर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को कर्नलाइज कर रहा है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। सीयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कलबुर्गी कड़गंज जो गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हिंदुत्व एजेंडा को लेकर काम किया जा रहा है और जो आरएसएस के टटुओं को बिठाकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, नफरत की राजनीति विचारधारा को गुलबर्गा के लोगों में जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कल्याण कर्नाटका रीजन में आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा फैलाकर यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करने का काम जो यूनिवर्सिटी से चल रहा है, इसके खिलाफ कल्याण कर्नाटका रीजन के एकेडमिशियंस, राइटर्स, पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, दलित संगठन के लीडर प्रोफेसर आर के उड़गी, जनाब डीजी सागर साहब, मारुति गोखले साहब, कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े, ये लोगों ने जो ऐलान किया था कि 11 तारीख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पदयात्रा करके घेराव किया जाएगा, आरएसएस के कौमवादी कम्युनल एजेंडा के खिलाफ पदयात्रा करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाएगा, उसी के सॉलिडारिटी में, उसी के समर्थन में, उसी की ताईद करते हुए कर्नाटका प्रांत रहित संघ ने ये ऐलान किया है कि आज से हम पदयात्रा शुरू करेंगे गुलबर्गा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के पास से। कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कड़गंची जो एकेडमिशियंस का काफिला, जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो काफिला जो पदयात्रा कर रहा है, उनके साथ जुड़कर कल हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। अब ये देखिए कि जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही कहा था कि ये जो मनुवादी विचारधारा है, ये हमारे देश के लिए एक हानिकारक विचारधारा है। ये मनुवादी विचारधारा जातिवाद की राजनीति का आगम जो करती है, और साथ ही साथ जो अभी हाल में देखने आया है जिस तरीके से हिंदुत्व एजेंडा जो एक ब्राह्मणवाद, अपनी ब्राह्मणवादी राजनीति को जो चोला पिना के रखा है, उसको नाम दिया है हिंदुत्व। हिंदुत्व जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाकर जो आरएसएस जो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने लोगों को वीसी बनाकर बिठाकर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने का जो काम चल रहा है, इसके खिलाफ जो एकेडमिशियंस, जो इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी ताईद में कर्नाटका प्रांत रहित संघ पूरी तरह से खड़ा है। अब जहाँ तक हम गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये जो यहाँ पे वीसी है भट्टा सारे सत्यनारायण राव, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भट्टा बिठाने के लिए आया हुआ इंसान है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं, इनको जिस तरीके से लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन के तहत टारगेट किया जा रहा है, जो बीजेपी का डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पे बांटो, जाति के नाम पे बांटो, अब यहाँ तक हो गया कि लैंग्वेज के नाम पे बांटा जाएगा, लिंग्विस्टिक के नाम पे लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन किया जाएगा। इसका एक नमूना मैं बता दूं, जैसे कि सबको पता है जब से ये वीसी आया है और इससे पहले का भी जो वीसी यहाँ पे था, जिस तरीके से दलित स्टूडेंट्स को, ओबीसी स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को और फैकल्टीज़ को जो हरासमेंट और टॉर्चर कर रहे थे, ये सबको पता है। और इसके खिलाफ इससे पहले के भी केसेस हुए जो ह्यूमन राइट्स तक जा चुके हैं। तो हम यही कहते हैं कि ये वीसी जब तक रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बचने वाली नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेपरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, इसके खिलाफ हर इंसान को, हर प्रोग्रेसिव थिंकिंग नागरिक को उठना ज़रूरी है। जब तक ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम हमारा बचा है, तब तक ही हमारे देश में साइंटिफिक और इनोवेटिव एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो AVC कर रहा है, ये जिस तरीके से सुपरस्टिशियस अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है, उस तरीके की विचारधारा में लाकर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को कम्युनलाइज कर रहा है। इसके खिलाफ जिस तरीके से संगठनों का मोर्चा खुला है, ये मोर्चा चलता रहेगा। और हमेशा से एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इंडियन हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म। ये हमको अच्छे से समझना है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा किस तरीके से बाबा साहब के अंबेडकर की विचारधारा को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है, ये हमको समझना है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि पूरे मुल्क ने देख लिया, जो सबको पता है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी OBC, एंटी माइनॉरिटीज़ कैसे है। जब नया पार्लियामेंट का ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला हैं और एक आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी टट्टू प्रधानमंत्री जो है RSS के, इन्होंने हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है और आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जाहिर होता है कि ये कितनी कट्टर एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी वुमेन विचारधारा की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। हम ये यहाँ से बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जितने आंदोलन अभी चल रहा है चलते रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब तक अपने प्रोग्रेसिव करिकुलम को मेंटेन नहीं करती है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 लाके जो भगवाकरण करने का काम जो चल रहा है, ये नहीं रुकेगा। और जब तक वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो टारगेट किया जा रहा है उनके धर्म के नाम पे, उनके जाति के नाम पे, उनके रीजन के नाम पे, ये नहीं रुकता है, तब तक ये सारे संगठनों का आंदोलन चलता रहेगा। हम यहाँ से कर्नाटका प्रांत राइट संघ से यही ऐलान करते हैं, जो ये कल मूवमेंट चल रहा है, कल जो जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाएगा, कर्नाटका प्रांत राइट संघ इसको पूरी तरह से समर्थन करता है, और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा इसका समर्थन करेंगे। मैं गुलबर्गा से कर्नाटका प्रांत राइट संघ, जावेद हुसैन। क्या वजह से चल रहा है सर, मतलब हमारे व्यूअर्स खुल के बताइए सर, क्या चल रहा है कॉलेज के? अब देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, जैसे हिंदुत्व की जो एक विचारधारा जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पैर पसारी है, जिस तरीके से RSS की शाखा खुली गई है, ये सबको समझना है। RSS कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, ये एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। RSS एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योरली ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चलती है। RSS की शाखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुलना, ये क्लियर है कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा की वहाँ पे राजनीति चल रही है। जैसे सबको पता है RSS अगर आज तक अगर आप उसकी तारीख उठा के देख लीजिए, उसके जितने भी सर संचालक जो आज मोहन भागवत है, ये सारे ब्राह्मण आते हैं, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के आते हैं। इसको कहा जाता है ब्राह्मण मेल ऑर्गेनाइजेशन RSS को। अगर ये सेकुलरिज्म में इस मुल्क के हर जाति विचारधारा, हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलती है संगठन, तो आज तक ये कोई दलित को क्यों अपना सरसंचालक नहीं बनाई, क्यों कोई बुद्धिस्ट को क्यों नहीं बनाई, क्यों कोई जैन को क्यों नहीं बनाई, क्यों कोई लिंगायत को क्यों नहीं बनाई, ये बात हम सबको समझना है। अब आते आते बात यहाँ तक आ गई, हिंदू एक धर्म नहीं है कहने तक की बात को पहुँच गई RSS और हमारे प्रधानमंत्री साहब। आज बात करते हैं हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये वे ऑफ लाइफ है, पर फिर धर्म कौन सा है? अब बात हिंदू धर्म खत्म होकर अब सनातन की बात हो रही है। सनातन की बात ये समझना है, ब्राह्मणवादी विचारधारा की राजनीति का ये अगला स्टेप है। जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मसला है, एक मैं माइनॉरिटीज़ रिलेटेड भी कोई चीज़ बता दूँ, लैंग्वेजेस के नाम पे लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन जो चल रहा है, लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड करना, धर्म के नाम पे डिवाइड करना, जाति के नाम पे डिवाइड करना, ये जो चला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक बता दूँ, प्रेसिडेंशियल गैजेट है,
हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्या सेंट्रल गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUK में खुला है, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गई, 2023 है आज, क्या गुलबर्गा CUK कलबुर्गी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट ओपन हुआ? ओपन नहीं हुआ। चाहे आपके MP लीजिए या पहले 2009 से जो भी गुजरे हैं यहाँ पे MP, क्या उन्होंने गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट खोलने के लिए कोई काम किया? नहीं किया। इसका सीधा ये है कि उर्दू लैंग्वेज को मुसलमानों से जोड़ के देखना, इसके लिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट नहीं खोला गया। ये प्रेसिडेंशियल गेजेट के अगेंस्ट है। अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUK अगर उर्दू डिपार्टमेंट नहीं खोलता है तो हम यहाँ से ऐलान करते हैं ये VC का घेराव किया जाएगा और सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाएगा। और हम यहाँ से ये उमेश यादव साहब को क्लियर करते हैं, ये उमेश यादव साहब तो अब चंद दिन के मेहमान बचे हैं। जिस तरीके से ये कौमवादी विचारधारा मनुवादी विचारधारा के गुलाम बन के जो काम कर रहे हैं गुलबर्गा में, ये उसका नतीजा है। आज गुलबर्गा के कई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट जो पहले अप्रूव हुए थे कैंसिल कर दिए गए, उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट को कैंसिल कर दिया गया। उर्दू डिपार्टमेंट के जो भर्तियां करना था, जो फैकल्टीज लिया हायर करना था, वो फैकल्टीज के सारे पोजीशन दूसरों को अकोमोडेट कर दिए गए। इसका नतीजा ये है कि लिटरेचर फील्ड को भी ये कम्युनलाइज कर चुके हैं, एजुकेशन फील्ड को भी अपनी क्या बोलते हैं कि पॉइजनस विचारधारा मनुवादी विचारधारा को लेकर समाज में भेदभाव पैदा करने की विचारधारा से ये डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसे मेजर इश्यूज हैं और सारे, जैसे अभी ये चंद बताया, और है फैकल्टीज का हरासमेंट है, रिलीजन बेस्ड टारगेटिंग किया जा रहा है, जाति बेस्ड उनको टारगेट किया जा रहा है। ये कब से चल रहा है सर, ये यूनिवर्सिटी में कब से चल रहा है? देखिए, जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट बदली है, सिंस 2014 थोड़े दिन कुछ ये रहा, जब से ये मनुवादी विचारधारा के VCs का यहाँ आना शुरू हुआ, ये तब से यहाँ पे ये हंगामा चला हुआ है। और जो कई स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हो या और कोई प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हो, जब कभी ये एंटी एजुकेशन, एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जब कभी यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ जब कभी ये लीडरों ने आवाज़ उठाया, तो इनके ऊपर केसेस करके इनको दबाने की हरकत की गई। इनके ऊपर कई फॉल्स केसेस, फेक केसेस किए गए, जो जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वो VC के खिलाफ, मनुवादी विचारधारा RSS के खिलाफ जो जाके वहाँ खड़े रहे, जो भी दलित लीडर्स खड़े रहे और ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके ऊपर कई केसेस किए गए। तो ये जो थ्रेट की राजनीति चली है, ये जो कंटिन्यूसली जो डिसेंट को कुचलने की जो मनुवादी राजनीति चली है, ये जो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो विचारधारा, जो राजनीति सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, जैसे जर्नलिस्टों को पकड़ना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पकड़ना, या और बोलिए जो प्रोग्रेसिव राइटर्स को पकड़ना, उसी तरीके की ये विचारधारा ये लाके जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक RSS की शाखा बना के रख दिया गया। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.